एक कपल दूसरे कपल से एक क्रूज पर मिलता है। इन ऑपोजिट कपल में एक अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। जो भी कुछ यहाँ चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिटर मून ये 1992 की लव, ऑब्सेशन और रिवेंज इस सब से भरी हुई मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक कपल को हम क्रूज पर देख सकते हैं। हस्बैंड का नाम नाइजल और वाइफ का नाम फियोना है। इनके मैरिज को बहुत सारे साल हो चुके हैं। इनके लाइफ में कुछ कमी होने लग रही थी। अपने मैरिज को भी कुछ सुधारने के लिए ये वैकेशन वो ले रहे हैं। इस क्रूज में वो इंडिया ही आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब फियोना वॉशरूम जाती है तो वहां पर एक लड़की बहुत रो रही है। वो हैंगओवर भी थी। नाइजल और फियोना इस लड़की को जरा हेल्प करते हैं। रात होने पर फियोना बहुत ही टायर्ड है। नाइजल को नींद नहीं आ रही। वो इसी क्रूज पर कहीं हैंग आउट करेगा। वो क्रूज के बार में आता है जहां पर वो सुबह की लड़की को देख सकता है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है मिमी। नाइजल जब फिर से मिमी को देखता है तो सरप्राइज्ड है। मिमी अब पूरी तरीके से ठीक है। इनफैक्ट वो अभी डांस भी कर रही थी। नाइजल मिमी से बात करता है पर मिमी मॉर्निंग में जो हुआ था इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती है। वो नाइजल को डांस के लिए पूछती है पर नाइजल इसके लिए मना करता है क्योंकि उसे अच्छे से डांस नहीं आता। वो फिर नाइजल को कुछ फनी उसे सुनाने के लिए कहती है पर नाइजल कुछ फनी भी सुना नहीं पाता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो नाइजल को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। नाइजल उसे सही से बात नहीं कर पा रहा तो वहां से वो चली जाती है। रात में नाइजल डेक पर आकर मून को देख रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है जो व्हील चेयर में है। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। इसका नाम है ऑस्कर। ऑस्कर नाइजल से कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है, उससे तुम दूर रहना। यहाँ पर वो मिमी के बारे में बात कर रहा था। मेरा ये हाल उसने ही किया है, यानी कि ऑस्कर कहता है कि वो मिमी की वजह से ही पैरालाइज्ड है। नाइजल को कुछ समझ में नहीं आता तो ऑस्कर कहता है कि मैं मिमी का हस्बैंड हूँ। ऑस्कर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मिमी के बारे में और भी कुछ जानना है। वो नाइजल को अपने रूम में लेकर आता है। मिमी और ऑस्कर हस्बैंड वाइफ है पर फिर भी एक रूम में वो नहीं रह रहे। ऑस्कर फिर नाइजल को उसकी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। ऑस्कर पेरिस में रहता था। एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था, उसी बस में उसे मिमी दिखी। मिमी बहुत ही ब्यूटीफुल थी तो उसे वो बहुत पसंद आई। बस में सब लोगों के टिकट चेक किए जा रहे थे पर मिमी को अपना टिकट नहीं मिल रहा था। ऑस्कर ने जल्दी से अपना टिकट मिमी को ऑफर कर दिया। टिकट ना होने की वजह से उसे खुद पनिशमेंट उठानी पड़ी। ऑस्कर को पेरिस बहुत पसंद था। उसके ग्रैंडफादर रिच थे। उनकी डेथ के बाद ऑस्कर को बहुत सारे पैसे मिले, इसी वजह से वो पेरिस में मूव हो चुका है। वो खुद एक बड़ा राइटर बनना चाहता है। पेरिस में बहुत सारे बड़े राइटर रहते थे तो वो भी यहाँ रहकर कुछ अच्छा लिखना चाहता है। जब उसने मिमी को देखा तो मिमी के अलावा वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा। उसे नींद नहीं आ रही, वो कुछ लिख नहीं सकता। जिस बस में मिमी उसे मिली थी उस बस में हर दिन ट्रैवल करता है पर मिमी उसे कहीं भी नहीं दिखती। ऑस्कर ने उसे ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर ढूंढ नहीं पाया। एक दिन वो दूसरी लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। वहां की वेट्रेस मिमी थी। डेट छोड़कर वो मिमी से बात करने लग गया। मिमी भी ऑस्कर को पहचान लेती है। ऑस्कर कहता है कि मैंने तुम्हें हेल्प की थी तो प्लीज मेरे साथ डेट पर आओ। वो भी इसके लिए मान जाती है। ये दोनों फिर डेट पर आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। मिमी को डांसर बनना है पर वो जरा इनकम के लिए वेट्रेस भी है। ये रात भर मजे करते हुए पेरिस में घूमते हैं। इनकी डेट खत्म ही नहीं होती और सुबह आती है। ऑस्कर मिमी से कहता है कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझसे फिर से मिलोगी? मिमी कहती है कि हाँ। अपनी पर्स में से एक नोटबुक निकालती है। इस नोटबुक में ऑस्कर ने उसे जो टिकट दिया था ये रखा हुआ है। यानी कि सिर्फ ऑस्कर को ही मिमी अच्छी लगी थी ऐसा नहीं था, मिमी को भी ऑस्कर बहुत पसंद आया था। थोड़ी देर में वो ऑस्कर के अपार्टमेंट में आते हैं। ऑस्कर ब्रेकफास्ट बनाता है, वो फायर जलाते हैं, एक दूसरे के करीब आकर इंटीमेट हो जाते हैं। ऑस्कर हमसे कहता है कि इस वर्ल्ड में मैं सबसे लकी था, वो मिमी इतनी ब्यूटीफुल है ये बिलीव नहीं कर सकता था। उनकी डेट के बाद वो 3 दिन तक उनके अपार्टमेंट में ही रहे। ये फिर एक साथ ही रह रहे थे, डेट पर जाते थे, मजे करते थे। इनकी एक दूसरे के लिए डिजायर्स बढ़ती चली गई। जब सब कुछ डिटेल में ऑस्कर नाइजल को बता रहा था तो नाइजल इससे अनकंफर्टेबल हो जाता है।
कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे तुम इतने डिटेल में ये सब क्यों बता रहे हो। वो फिर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अपनी वाइफ फियोना को ये सब वो बताता है। जब नाइजल और फियोना ये लंच कर रहे थे तभी उसके पास ऑस्कर आता है। वो उन्हें लंच के लिए ज्वाइन करता है। उसके साथ मिमी भी थी, पर मिमी कैप्टन के साथ जाकर लंच करती है। ऑस्कर फियोना को देखकर इम्प्रेस्ड होता है, कहता है तुमने बहुत सारा पोटेंशियल है। अपनी तारीफ सुनकर फियोना शर्मा जाती है। वो फिर फियोना से पूछता है, तुम्हारे हस्बैंड से मुझे बात करनी है, क्या तुम उसे एक घंटे के लिए मेरे पास छोड़ सकती हो। इसके बाद फियोना भी मान जाती है और फिर ऑस्कर नाइजल को अपनी स्टोरी फिर से सुनाना स्टार्ट करता है। ऑस्कर कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से अब्सेस थे, उन्हें लगता था कि हमेशा एक साथ ही रहे। उन दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ गेम्स खेलना भी स्टार्ट कर दिया, अपनी फैंटेसीज को कंप्लीट करने लग गए। ऑस्कर जो भी लिखता था मिमी को बहुत पसंद आता था। एक दिन मिमी और ऑस्कर बार में गए थे और मिमी की फ्रेंड भी थी जिसके ऑस्कर बात करने लग गया। मिमी को लगा कि ऑस्कर उसके फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो मिमी भी उसे जलाने के लिए एक दूसरे आदमी के साथ डांस करने लग गई। इससे ऑस्कर जेलस हो गया। ऑस्कर को रियलाइज नहीं हुआ था कि ये इतना उसे अफेक्ट करेगा। वो मिमी को अकेला ही छोड़कर घर आ गया। मिमी जब घर पहुंचती है तो कहती है कि तुमने ये स्टार्ट किया था। ऑस्कर गुस्सा है तो उसे वो मना लेती है। अब बहुत सारे दिन हो चुके हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते थे और इससे ही इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ती थी। ऑस्कर को फिर लगने लग गया कि इनफ नहीं है, आगे वो बताने वाला था, पर मिमी वहां आ गई। नाइजल को भी फिर से अपने रूम में जाना था। जब नाइजल फिर से फियोना के पास आता है तो फियोना उससे पूछती है क्या वहां मिमी भी थी। उसे अब थोड़ा थोड़ा शक जाने लग गया है। जब नाइजल अकेला था तब मिमी उससे बात करती है, कहती है कि ऑस्कर की सब बातों पर तुम बिलीव मत करना, वो बहुत सारी चीजें इमेजिन भी करता है। उसे बोलती है कि तुम्हारे साथ मुझे प्राइवेट में बात करनी है। उसे टाइम देकर एक रूम में आने के लिए कहती है। मिमी ने नाइजल को जहाँ आने के लिए कहा था, रात में नाइजल वहां पहुंचा। बेड पर कोई सो रहा था तो उसे लगा कि वहां मिमी है। उसने ब्लैंकेट निकाला तो वहां ऑस्कर था। नाइजल देखकर डिस्टर्ब हो गया। उससे कहता है यहाँ कोई गेम्स चल रहे हैं, ये सब क्या है। ऑस्कर कहता है कि मिमी चाहती कि तुम पूरी स्टोरी सुनो, स्टोरी सुनने के बाद ही तुम्हारे चांसेस उसके साथ अच्छे होंगे। नाइजल पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ऑस्कर पैरालाइज्ड है, तो मिमी की नीड्स वो पूरी नहीं कर सकता। वो मिमी के लिए सही आदमी ढूंढने के लिए उसे हेल्प करता है। अचानक से नेक्स्ट सेकंड में ऑस्कर कहता है कि ये सब जोक था, ज्यादा वरी मत करो। वो फिर से नाइजल को अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मिमी से पहले मैं बहुत अट्रैक्टेड था, और उसकी पर्सनैलिटी अब उसे पसंद नहीं आती। जो चीजें उसे पहले अच्छी लगती थी अब वो नहीं लगती। एक दिन सिटी में पब्लिशर आई हुई है, ऑस्कर उससे मिलने के लिए आता है। मिमी की वजह से उस पब्लिशर पर ड्रिंक गिर जाती है। ये मीटिंग यही खत्म होती है। ऑस्कर मिमी पर बहुत चिढ़ा हुआ है। वो कहता है कि मेरी बुक पब्लिश होने के चांसेस पहले ही बहुत ही कम है। मिमी बोलती है कि वो पब्लिशर तुमसे सही से बात नहीं कर रही थी। ऑस्कर इस पर और भी चिढ़ जाता है, कहता है कि तुम्हें मुझे हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं लोगों के साथ कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्यों इतना फर्क पड़ता है। वो गुस्से गुस्से में कहता है कि मुझे और भी कोई मिल जाएगी। मिमी इस पर नाराज होकर अपने कपड़े वगैरह पैक कर वहां से जा रही थी। उसे लगा कि ऑस्कर उसे रोक लेगा, पर ऑस्कर उसे नहीं रोकता। वो रुक जाती है। ऑस्कर के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इस तरह से जाने मत दो। मिमी बहुत ही पर्सुएसिव है तो ऑस्कर डायरेक्टली उससे ब्रेकअप भी नहीं कर पा रहा। ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और ज्यादा कुछ फन भी कर नहीं सकते। ऑस्कर को अब लगने लग जाता है कि उसके आसपास सब लोग मजे कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर वो सही से जी नहीं पा रहा। इन दोनों में एक बार जोर की फाइट भी होती है। इसमें ऑस्कर मिमी को मारता है, पर मिमी फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। एक बार ये दोनों डेट पर आए हुए थे। ऑस्कर मिमी को समझाता है चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वो कभी ना कभी एंड होने ही वाली है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मिमी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ऑस्कर कहता है कि हम दोनों में रिलेशनशिप खराब हो जाए इससे पहले ही हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी मेमोरीज है तो इन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। मिमी भी समझ लेती है और वहां से चली जाती है। ऑस्कर अब सिंगल है तो उसे सही लगता है, वो पार्टीज में जाता है, मजे करता है। एक दिन जब वो पार्टी से घर पर आया तो मिमी उसके डोर स्टेप पर थी। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हें जो भी लगे वो तुम करो,
तुम्हें अगर पार्टीज में जाना है तो पार्टीज में जाओ, किसी और के साथ तुम्हें सोना है तो तुम वो भी कर सकते हो, पर प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। ऑस्कर रियलाइज करता है कि मिमी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाली है। वो अब और एक प्लान बनाता है। वो अब मिमी को इतना तंग करेगा कि वो खुद ऑस्कर को छोड़कर चली जाएगी। वो अपना प्लान स्टार्ट करता है। जब वो इंटीमेट होते हैं तो अलग लड़की का नाम लेता है, उससे वो कभी भी सही से पेश नहीं आता। मिमी पर भी इसका इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। वो डिप्रेस रहने लग जाती है। वो अब अपना खुद का भी ख्याल नहीं रख रही। मिमी बहुत ट्राई करती है, ऑस्कर के लिए उसका फेवरेट फूड बनाती है। ऑस्कर इसे भी घटिया बोलता है। ऑस्कर उसे पार्टी में ले जाकर दूसरी लड़कियों से बात करता है, उसकी इंसल्ट करता है। एक दिन मिमी ऑस्कर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ऑस्कर बहुत ही डर चुका है। वो मिमी के पास जाकर उसे समझाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा फादर बन सकता हूँ? मैंने लाइफ में अभी तक कोई भी बुक पब्लिश नहीं की। मैं एक फेलियर हूँ और मैं अच्छा फादर नहीं बन सकता। वो मिमी को अबॉर्शन के लिए कन्विंस कर देता है। अबॉर्शन के बाद ये हॉस्पिटल में थे। ऑस्कर मिमी से कहता है कि अब हमें एक वैकेशन पे चलना चाहिए, ये मायामी जा रहे हैं। प्लेन में ऑस्कर मिमी से कहता है कि मैं अपना लगेज रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे जाकर पायलट के सामने वो उसका पेट दुख रहा है नाटक करता है। उसे वो नीचे उतार देते हैं और मिमी अकेली मायामी चली जाती है। इसी तरीके से ऑस्कर ने मिमी से पीछा छुड़वा लिया। अब फिर से नाइजल ऑस्कर को इंटरप्ट करता है। कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो ये सच नहीं हो सकता। अगर ये सच होता तो तुम्हें बहुत ही गिल्टी महसूस होता। तुम ये सब मुझे नहीं बताते। उसे लेट हो रहा था तो यहाँ से वो जा रहा है। बाहर आने के बाद मिमी उसे मिलती है। मिमी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी स्टोरी सुनो। नाइजल को मिमी के साथ अकेले होना है। मिमी उसे किस करती है और कहती है, स्टोरी सुनने के बाद हम अकेले मिलेंगे। जब नाइजल फिर से फियोना के पास आता है तो फियोना उस पर नाराज है। उसे अब लगने लग गया है कि नाइजल का मिमी के साथ चक्कर है। रात में फियोना बीमार पड़ जाती है। नाइजल फियोना को कुछ गोलियां देता है जिससे वो सो जाती है। इसके बाद वो ऑस्कर के पास फिर से आगे की स्टोरी सुनने के लिए पहुंच चुका है। ऑस्कर कहता है कि मिमी मेरे लाइफ में नहीं थी तो मैं बहुत मजे करने लग गया था। दिन रात पार्टी करता था, अलग अलग डेट्स पर जाता था। एक दिन ऐसे वो बहुत ही ड्रंक था और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पैर पर फ्रैक्चर लगा और हॉस्पिटल में था। उसे मिलने के लिए फिर से मिमी आई। मिमी को देखकर वो सरप्राइज था। वो उससे पूछता है कि तुम अब कर क्या रही हो। मिमी कहती है कि तुमने मुझे वहाँ अकेले छोड़ दिया। एक होटल में मैं वेट्रेस बन गई और वहाँ का मैनेजर बहुत ही अच्छा था। तुमने मुझे जितना हर्ट किया उतना ही उसने मुझसे प्यार किया। मिमी को डांसर बनना था तो उसने उसे अपॉर्चुनिटी दी। जब उसे ऑस्कर के बारे में पता चला तो देखने के लिए वो पहुंच गए। ऑस्कर ने मिमी के साथ इतना सब कुछ गलत किया है पर फिर भी वो मिमी से सही बात नहीं करता। मिमी वहां से जा रही थी पर अपना माइंड उसने चेंज कर लिया। ऑस्कर के पैर पर चोट आई थी तो कुछ कर नहीं सकता था। मिमी ने उसे नीचे गिरा दिया, उसके लेग्स को बुरी तरीके से हर्ट किया। इसी वजह से वो हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गया। अब ऑस्कर से बदला लेने के लिए मिमी खुद उसका ख्याल रखने लग गए। उसका जैसा मन होता था एक खिलौनों की तरह ऑस्कर को ट्रीट करती थी। इसमें एक ही चीज उसे दिन रात खिलाएगी, एक ही जगह पर उसे इंसुलिन देगी जिससे उसे तकलीफ हो। इसी तरह से उसे टॉर्चर करती थी। एक दिन ऑस्कर का बर्थडे था तो मिमी ने उसे गन गिफ्ट की। इसके पीछे का रीजन था कि ऑस्कर इससे खुदकुशी कर सकता है। एक दिन ये दोनों पार्क में आए हुए थे। एक छोटे लड़के के साथ ऑस्कर खेलता है। ऑस्कर मिमी से सॉरी कहता है। कहता है कि मैंने तुम्हें अबॉर्शन करने के लिए कहा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फादर बनने का डिजर्विंग नहीं हूँ। ऑस्कर अब पैरालाइज्ड है तो उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते। वो मिमी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें बच्चे हो सकते हैं। मिमी कहती है कि अबॉर्शन के बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया था, वो अभी फिर से कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी। ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है, उसे पछतावा आता है। कहता है कि मैं बहुत ही घटिया आदमी था, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिमी ऑस्कर से कहती है कि हम अब एक दूसरे के साथ हैं, जो भी है वो सही है। ऑस्कर को लगता है कि मिमी अभी भी उससे प्यार करती है। ऑस्कर को जेलस फील कराने के लिए मिमी एक दिन एक लड़के को घर लेकर आती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इन दोनों की रिलेशनशिप अब इसी तरीके से बन गई। मिमी ऑस्कर के साथ कुछ भी कर सकती थी, वो उसका ख्याल रख रही थी तो ऑस्कर और कुछ बोल भी नहीं सकता। एक दिन इन दोनों ने शादी कर ली। ऑस्कर फिर नाइजल से कहता है कि मुझे हमेशा डर लगता है कि मिमी को कोई अच्छा आदमी मिलेगा और उसे वो प्यार करने लग जाएगी, मुझे फिर वो शायद छोड़ देगी।
इसलिए ऑस्कर मिमी की फिजिकल नीड्स कंप्लीट करने के लिए कोई आदमी ढूंढता है। वो चाहता है कि मिमी किसी के भी प्यार में ना पड़े। अब नाइजल ने पूरी स्टोरी सुन ली है। रात में पार्टी है जहाँ पर वो मिमी से मिलता है, उसके साथ डांस करता है, वो एक दूसरे को किस करते हैं, पर मिमी जरा दूर होती है, कहती है कि तुम्हारी वाइफ हमें देख रही है। एक्चुअल में ऑस्कर ने फियोना के लिए एक ड्रिंक भेजी थी। उसके बाद वो पार्टी में फिर से वापस आ गए। जैसा हम देख सकते हैं कि ऑस्कर को लोगों के साथ गेम्स खेलना अच्छा लगता है। नाइजल फिर फियोना को सॉरी कहने के लिए आता है, पर फियोना उसका कुछ भी नहीं मानती। फियोना फिर खुद मिमी के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर ऑस्कर बहुत हंसता है। रात में मिमी और फियोना ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब नाइजल ये देखता है तो बहुत ही गुस्सा है, वो ऑस्कर को मारने लगता है। ऑस्कर अपनी गन निकालता है। नाइजल कहता है कि वो गन मुझे दे दो वरना तुम किसी को हर्ट कर दोगे। ऑस्कर कहता है इसके बाद मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूंगा। वो मिमी को शूट कर मार डालता है, अपने आप को भी एक गोली मारकर सुसाइड कर लेता है। फियोना ये सब देखकर बहुत डर गई थी। नाइजल और फियोना ये दोनों अपनी गलती रियलाइज करते हैं। इन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया है। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। अगर हम इस मूवी में देखें तो ऑस्कर सिर्फ मिमी की बॉडी से प्यार करता था। मिमी ऑस्कर से सही से प्यार करने लग गई थी और कभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। ऑस्कर ने उसे बहुत हर्ट किया पर फिर भी उसके साथ रुकी। इतने घटिया आदमी के साथ रुकना ये उसकी एक गलती थी। जिस तरह से शुरुआत में मिमी से ऑस्कर अब्सेस था, मिमी भी उससे उसी तरीके से अब्सेस्ड हो गई। उसे रिवेंज लेने के लिए हमेशा उसे बांध कर रखना चाहती थी। लास्ट में ऑस्कर के लिए ये सब बहुत ही पेनफुल हो गया। उसने मिमी को मारकर खुद सुसाइड कर ली। अगर हम नाइजल और फियोना की बात करें तो ऑलरेडी इनके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी। इन दोनों ने फिर कुछ गलतियां की और अब रियलाइज किया है कि ये गलत था। लास्ट इंसिडेंट के बाद अब शायद इनका मैरिज सही हो सकता है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।